नमस्कार दोस्तों, पीवीआर स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपको लोक सेवा आयोग के हर एक झंझटों से अवगत करवाते रहते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसी क्रम में आज फिर देखते हैं यूपी पीएससी की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार की गई निलंबित। इसके पहले हमने आपको दिखाया था जब अंजू कटियार को गिरफ्तार किया गया था 31 मई को, तो आज इसी क्रम में आगे चलते हैं। आपको याद दिला दें, ये सब मामला जो इतना ज़्यादा गर्म पकड़ रहा है वो एलटी ग्रेड एग्जाम का पेपर लीक करने के मामले में इनको दोषी पाया गया और इनके लैपटॉप और मोबाइल से पर्याप्त साक्ष्य मिले हुए हैं, जिसके आधार पर इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। उसके बाद अब इनको निलंबित कर दिया गया। ये एक कार्रवाई हुई, लोगों को थोड़ा सा ठंडक तो मिली, लेकिन अभी इतना ही नहीं, जब इनको गिरफ्तार किया गया था उस दिन जो लोक सेवा आयोग के कर्मचारी हैं वो सब धरना दे रहे थे कि भाई उनको छोड़ा जाए, नहीं तो हमारी रोजी रोटी खतरे में हो रही है। आपने देखा होगा पेपर में, बाहर जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर धरना दे रहे थे और अंदर जो कर्मचारी हैं वो इनको बचाने के लिए धरना दे रहे थे। तो ये है अपने देश की हालात। आइए देखते हैं क्या है और जिसमें कुछ न्यूज़ के बारे में। एल्टीग्रेड परीक्षा में धांधली के आरोप में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को शासन से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की प्रक्रिया किसी भी अधिकारी के जेल जाने के 48 घंटे के भीतर अनिवार्य हो जाती है। पीसीएस अधिकारी अंजू कटियार की गिरफ्तारी के बाद से ही पीसीएस एसोसिएशन उनके बचाव में सक्रिय है। ये देख लो फिर से, पीसीएस एसोसिएशन जो है उनके बचाव में सक्रिय है। बीते दिनों पीसीएस एसोसिएशन ने बैठक करके और क्या किया, एसटीएफ की कार्य प्रणाली पर सवाल भी उठाए थे। और हम बता दें सवाल क्या उठाए थे, सवाल ये उठाए थे कि बहुत जल्दी में कार्रवाई हो गई। अरे भाई कार्रवाई करो, 3 साल मुकदमा करो, उसके बाद तारीख आए, सुनवाई हो, तब तक ये अपना धंधा चलाते रहे ना, इनका ये मतलब था। इतनी जल्दी कार्रवाई कैसे हो गई, अक्सर भारत इसी के चलते तो ही बर्बाद हो रहा है ना। कार्रवाई बहुत लंबी होती है, मुकदमा होता है, तारीख होती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और मिलता क्या है, आपने एक मूवी में ऐसे देखा होगा, है ना। ये भारत की हालात है, बाकी कुछ नहीं होता तब तक जो दोषी है ना। अरे इसका तो बात छोड़ो, आपने देखा होगा एक आतंकी अफजल पकड़ा गया था, 3 साल में उस पर लाखों खर्चा करके उसको 18 साल का किया गया। ये भारत की क्या है, लाचार कानून व्यवस्था को दिखाता है। मतलब एक आतंकी को मारने के लिए लाखों रुपए उसके खान पान रहन सहन पर खर्चा किया गया, उसके बाद उसको फांसी दी गई। तो ये भारत के बेवकूफ़ता की कहना नहीं चाहिए कहानी है, जिसमें हम लोग शामिल हैं और हम ही लोग की वजह से ये हो रहा है। आगे देखते हैं। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी पर संतुष्टि जताई। पीसीएस अधिकारियों का कहना है कि एसटीएफ ने जल्दबाजी में कदम उठाया। जी देख रहे हैं ना, ये कदम जल्दबाजी में उठा लिया इन्होंने। इस मामले में अफसरों की 2 सदस्यीय समिति तथ्यों को एकत्र कर रही है, यह तथ्य सरकार के समक्ष रखे जाएंगे। प्रदर्शन का दौर जारी, इसी बीच भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन का दौर भी रहा है। प्रतियोगी युवाओं ने जहां कैंडल मार्च निकाला, वहीं आयोग के कर्मियों ने कैंपस में ही प्रदर्शन किया। और साख है दांव पर, यहाँ पर हम आपको सब कुछ नहीं दिखा सकते लेकिन आपको बता सकते हैं। जी बिल्कुल, साख दांव पर है। ऐसा कोई परीक्षा नियंत्रक और ऐसा कोई लोक सेवा आयोग का बताइए अध्यक्ष रहा हो जिसके कार्यकाल में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ हो। ऐसा क्यों होता है क्या आप जानते हैं? आपके माँ बाप, हमारे माँ बाप, हर कोई ये चाहता है कि हमारा जो बेटा है वो या बेटी है सरकारी नौकरी करेगा। यहाँ तक गार्जियन चाहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी करो चाहे चपरासी ही बनो। ऐसा क्यों, ये मानसिकता क्यों आती है कि सरकारी नौकरी करो चाहे चपरासी ही बनो? क्या आपका जन्म केवल सरकार का नौकर बन करने के लिए, नौकरी करने के लिए हुआ है? अगर यही सब सोचते आज इंडिया के दूसरे देश, तो आज ये गूगल और ये व्हाट्सअप जिस पे आप ये खबर का इन्फॉर्मेशन पाते हो ना, ये ना होता, क्योंकि ये गवर्नमेंट विभाग से नहीं निकाले गए हैं। ये सब किसी ऐसे हुनरमंद ने लॉन्च किया जिसको गवर्नमेंट जॉब की चाहत नहीं थी। आपने देखा होगा चाइना, चाइना में कितने परसेंट लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं? आपके हाथ में मोबाइल चाइना का है, आपके कान में लगा ईयरफोन चाइना का है, आपके घर में रखा हुआ बर्तन चाइना का है, आप जो भी सामान यूज कर रहे हो सब चाइना का है। आखिर क्यों, क्या वहाँ के लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहते हैं? अगर गवर्नमेंट जॉब की इतना बड़ा फिक्र ना होती ना, तो इतना बड़ा झंझावट ना होता। क्योंकि ये जो लोक सेवा आयोग के पीसीएस की अंजू कटियार निलंबित की गई, हो सकता है ये भी किसी जुगाड़ से आई रही हो, कहा नहीं जा सकता है लेकिन हो सकता है, क्योंकि हर जगह जुगाड़ लगता है भाई। अभी तक तो आईएएस की परीक्षा में कोई मामला नहीं निकला, बल्कि पीसीएस की परीक्षा भी अब साग मूली की तरह हो चुकी है, विश्वास उठ चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही नहीं, एसएससी में आपने देखा होगा 2017 की सीजीएल परीक्षा का क्या हाल है, कुछ सुनवाई हुई, कुछ कार्रवाई हुई,
कुछ मालूम चला? कुछ भी नहीं पता चला और ना ही पता चलेगा। ये सब होता क्यों है? इसकी जड़ मेन है, जब कोई भी बालक बालिका एग्जाम देता है, प्रतियोगी परीक्षा, उसमें उसको घूस देना पड़ता है। वैकेंसी आती है, उसके बाद उसका रेट तय हो जाता है कि अगर आपको लेखपाल बनना है तो 3 लाख रुपया जमा करना होगा, अगर आपको एलटी ग्रेड परीक्षा पास करना है तो आपको 20 से 25 लाख जमा करना होगा। तो जो करोड़पति हैं वो लोग खरीद लेते हैं इन वैकेंसियों को, और इतना ही नहीं, भारत में बहुत सारा पैसा है तो वो लोग इनको पहले से खरीदे होते हैं। और आपके जो परीक्षा होता है, इंटरव्यू होता है, जो भी झंझावट होते हैं, सब केवल दिखावा होता है कि हाँ भाई इतना किया गया। लास्ट में यहाँ तक भी आपने देखा होगा, सब कुछ होने के बाद भी निकाल दिया जाता है इंटरव्यू में। अभी आपको एक न्यूज़ हम दिखाएंगे, इंटरव्यू में पास होने के बाद जब ज्वाइनिंग की लिस्ट आई तो उसमें नाम नहीं आया। ये भारत में होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, सरकारी नौकरी की चाहत लोगों को इतना ज़्यादा गिरा दी हद तक। और गिराई क्यों है? आपने देखा होगा एक पुलिस वाला, पुलिस वाला क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो इसकी इज्जत को ना मिट्टी में मिला देते हैं। एक पुलिस वाले को आप देखते होंगे, जब वो ट्रक जाती है कोई, उसको रुकवाता है, साइड में जाता है और चुपके से वो मुट्ठी बंद करके 5 ही रुपया देता है, वो चुपके से जेब में रख लेता है और जाने देता है। आखिर उसकी इतनी घटिया नीयत कहाँ से आती है? क्योंकि वो सरकारी नौकर है। और इसी के चलते हर कोई माँ बाप ये चाहता है कि भाई सरकारी नौकरी करोगे, ज़्यादा नहीं 10 ही हज़ार पाओगे, 10 हज़ार पाओगे ना, लेकिन उसमें जुगाड़ तो लग जाएगा ना तुम्हारा। तुम कहीं भी फर्जी या चाहे जैसे भी करके चपरासी बन गए भाई, फाइल उठा रहे हो, रख रहे हो, मान लो आप हो गए हाई कोर्ट में, अब बहुत सारे मुकदमे आते हैं, कुछ लेट लपेट होता है, कुछ फाइल इधर उधर करोगे, कहीं से 2-4 हज़ार हर दिन पाओगे, महीना में 50-60 हज़ार रुपया तो ऐसे घूसपात में ले लिए ना। और जो 20-30 हज़ार मिल रहा है अलग से मिल रहा है। तो लेकिन क्या कभी देश के बारे में सोचते हो कि ये करने से क्या होने वाला है? आपने देखा होगा पीबीआर स्टडी में हमने अभी तक लगभग लाखों लोगों को एकत्र किया है, जिसमें से 8 से 10 लोग हमारे आगे पीछे नौकरी पा रहे हैं, मतलब एक प्रकार से कहें तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। लेकिन अगर हम सरकारी नौकरी की चाहत में होते तो ये कर पाते नहीं ना। कुछ लोग कहते हैं कि मिली नहीं, और मैं दिल से बताऊं तो मैंने कभी कोशिश नहीं किया। हाँ, एक साल मैंने 2014 में नौकरी के लिए कोशिश किया था। उसके बाद हम एसएससी सीजीएल की परीक्षा देखते थे। 2017 में जब एसएससी सीजीएल की परीक्षा कराने वाली सीफी कंपनी, सीफी एक सर्वर का नाम है जिस पे एसएससी सीजीएल का परीक्षा होता है, वही अपना आईडी पासवर्ड वगैरह बनवाती है, वही सब कुछ मैनेज करवाती थी 2017 में। उसके बाद वो जो सर्वर की कंपनी थी वो खुद बिक गई, धांधली के हाथ में बिक गई, ये न्यूज़ में निकली थी फोटो, और मैंने इसका वीडियो भी बनाया था। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट की प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर दिया गया है। वो खुद दलालों को अपना सर्वर बेच दी और क्या की, दलालों के हाथ बिक करके कुछ ऐसे दलाल थे जिनके हाथ में वो क्या की, सब कुछ अपना बेच दिया और उनको पास करवाने में बिल्कुल लग गई आगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला खुल गया और फिर बाद में सरकार ने उस कंपनी को हटा दिया, उसकी जगह पर एसएससी की परीक्षा करवाने के लिए दूसरी कंपनी को नियुक्त किया गया है। तो ये होता है, कोई छोटा नहीं करता है। ये जो यूपीएससी का धांधला देख रहे हैं ना, ये अंजू कटियार की अकेले हिम्मत नहीं ये करती है। इनको तो मात्र 5% मिलता था जी, केवल 5% में इनको संतोष हो जाता था। मतलब जो 20 से 25 लाख रुपया घूस वो लोग लेते थे, उसमें से इनको 1 लाख से लेकर के 1,25,000 मिलता था। बस इतने में ही इनका काम चल जाता था, क्योंकि 2-4 परीक्षाएं में ये 10-20 जुगाड़ लगा लेते थे, उसी में अपना काम चलता था। तो ये सिंपल सी बात है, जो यूपीपीएससी का पेपर टाइपिंग करता था, टाइपिंग मास्टर, प्रिंटिंग मास्टर, वो सारा जुगाड़ करता था, जहां पर ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की कहें पीसीएस की सबसे बड़ी परीक्षा, मतलब यूपी की माने तो सबसे बड़ी परीक्षा, जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस था, इसका पेपर छपता था, वहाँ से ये जुगाड़ लगता था। और वो जो पेपर का मालिक था, प्रिंटिंग प्रेस वाला, वो 20 से 25 हज़ार रुपये में जुगाड़ लगा करके पेपर को आउट करवाता था और वहाँ से ये सब धंधा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं, सूर्य चंद्रमा और सत्य ज़्यादा दिन तक नहीं छिप सकते, कितना दिन भी छिपाओ थोड़ा दिन छिपेंगे बस। तो ये सभी बात कहने की है। अभी हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसको जरूर देखिएगा। पीवीआर स्टडी के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिसमें हम आपको लगभग 50 ऐसे मामले दिखाएंगे जिसमें कुछ इसी तरह के मामले आए हुए हैं। अभी हम आपको दिखा दें, लगभग में 538 वैकेंसी की जाँच उत्तर प्रदेश में सीबीआई कर रही है। सीबीआई का भरोसा करेंगे आप? सीबीआई का भरोसा आप 0% नहीं रहा प्रतियोगियों में,
क्योंकि वो केवल जांच करती है बस, पूरा नहीं करती कभी, क्योंकि अगर वो पूरा कर देगी तो फिर करेगी क्या। जैसे राजनीति में आप देखते होंगे, नेता लोग मंदिर मस्जिद पर बात करते हैं, गरीबी पर बात करते हैं, किसानी पर बात करते हैं, लेकिन कभी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। अगर वो समाधान कर देंगे तो राजनीति किस पे करेंगे। आपने देखा होगा राम मंदिर का ये मामला, श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि का ये मामला कितना दिन से चल रहा है। राजनेता जो होते हैं, आपके नेता विधायक जो होते हैं, जब चुनाव आता है तो सब जय श्री राम बोलने लगते हैं, उसके बाद 5 साल तक राम जी कहाँ चले जाते हैं वो नहीं जानते हैं। तो ये सब मामला अपने इंडिया का है, हालात बहुत बुरे हैं। आप लोगों को करना क्या है, हम लोग आप लोग संभलेंगे, सुधरेंगे, तभी सुधरने वाला है। पहला नंबर तो मैं ये कहूँगा, आप लोग सरकारी नौकरी की चाहत बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे भाई ये चैनल है, पढ़ाते हैं और कह रहे हैं नौकरी छोड़ दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, नौकरी की चाहत छोड़ दीजिए, मैंने करो नौकरी छोड़ दीजिए। और हाँ, अगर किसी तरह से आप करिए तो पूरी ईमानदारी के साथ, लेकिन अगर आप घूस दे करके करोगे तो भाई घूस लेना पड़ेगा, मजबूरी है। इसलिए आप घूस दे करके भर्ती मत करिए, मत होइए। भले आपको नौकरी ना मिले, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको बता दें, 12th की पढ़ाई के बाद हमने PVR स्टडी को स्टार्ट किया। आज 5,500 महीना की अर्निंग होती है, जिसमें पेड क्लास और YouTube अर्निंग, यानी कि जो होती है अर्निंग का अलग से निकाल दे तब। लेकिन जो हमारे आगे पीछे काम करते हैं वो लोग भी इसमें अपना कुछ उम्मीद जगाते हैं। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट जॉब करते तो अभी तक कहीं 20-15 लाख रुपया घूस दिए होते, अब तक हम भी हो गए होते। और फिर क्या होता, हम खुद जॉब करते, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग क्या करते। तो ऐसे सोचिए, अगर आप कोई एक नया कार्य स्टार्ट करेंगे तो आपके पीछे 10 लोगों की उम्मीदें उससे होंगी और वो पूरा भी होंगी। इस तरह से भारत पर जो ये सरकारी नौकरी की चाहत है ना, ये थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगी। उसके बाद आप देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ 100% सरकारी काम करने के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा। नौकरी की चाहत तो छोड़ दीजिए, अगर लोग अपना अपना काम करना शुरू कर दें। उम्मीदों की कमी नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ कौन सा काम है, मैं क्या करूँ, मैं करना चाहता हूँ लेकिन कोई काम ही नहीं मिलता है। अरे यार, आप लोग खुद बेवकूफ़ हो भाई, कोई काम क्यों नहीं मिलता है। आपके पास बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं, बस आप देखो तो ध्यान से। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो कृपया अपना नाम लिख करके इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नेम, हम आपको कार्य बताएंगे, कुछ आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात ये और ध्यान रखिएगा कि कोई काम हम ऐसा नहीं बताएंगे कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, ना। टाइम लगेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, आप सक्सेस होंगे। लेकिन हाँ, जो विद्युत का बल्ब आप जलता है देखते हो ना, 1200+ प्रयोग करके एडिसन ने जलाया था, आपको कुछ इस तरह से मेहनत करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय हम आपको बता रहे हैं 5,500 रुपये की अर्निंग आपका PVR स्टडी से टोटल पेड क्लास और अर्निंग वो एड का अर्निंग छोड़ करके जो हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था लगभग 8 महीने, इससे अर्निंग का जो मामला था वो 0 रुपया था। जो ऑफलाइन क्लास होती थी उससे आने वाला सारा जो भी अर्निंग था इसी में हम झोंक देते थे। लेकिन कभी ये लोगों की उम्मीद नहीं थी हमसे कि हाँ इसमें से कुछ मिलेगा। लोग कहते थे अरे यार ये पागल हो गया है। तो पागल होना पड़ता है कुछ भी करने के लिए, लगातार फ़ोन कॉल आते रहते हैं, लगातार हर कुछ चलता रहता है। लेकिन आपको सब्र बना के रखना होगा। और हाँ, इतना ही नहीं, सब्र नहीं बनाने के काम चलेगा, उसके साथ साथ आपको अपने कार्य में बढ़ना भी होगा। ये नहीं कि हाथ जोड़कर बैठ गए सब्र बना के, कुछ नहीं होने वाला ऐसे। तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हमने सब कुछ बोल दिया, आज के लिए बस इतना ही। आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, कृपया इस वीडियो को अपने 10 मित्रों में अवश्य शेयर करें। जो भी 4-6 बातें हमने कहा, अगर उसमें से कोई एक भी समझ गया ना, तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और शायद भारत का युवा जो सड़कों पर लाठी खा रहा है ना, वो शायद लाठी खाने से बच जाएगा। और हाँ, आपने देखा होगा युवाओं की बहुत सारी बातें करते हैं हर कोई नेता, कहना नहीं चाहिए। हमारे और आपके और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आम खाने का तरीका बताते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते कि भारत का युवा क्या कर रहा है, बेरोजगारी कितने हद तक बढ़ रही है। वो बहुत से बड़े बड़े काम कर रहे हैं मैं मानता हूँ, लेकिन उसके जो परिणाम आने वाले हैं बहुत दिन में आएंगे। इसलिए धरती पर जमीनी स्तर पर भी कुछ तो उतरना चाहिए ना। जो युवा आज 18-20 साल का है, वो 25 साल बाद क्या करेगा? 25 साल बाद तो उसकी आयु खत्म हो रही है, वो क्या करेगा फिर? जब 25 साल बाद भारत में सब कुछ विकसित होगा, 20 साल बाद, तब तक तो उसका काम खत्म हो गया ना। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कभी तो रोजगार पे बात करनी चाहिए, क्यों नहीं है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो रिलायंस है, रिलायंस जियो, उसका वाईफाई आप देखते होंगे, ये आता है राउटर जो वो चाइना में बनता है। रिलायंस की जो मोबाइल होती है आपने देखा होगा, जियो की जो मोबाइल 1500 में आती है ना, वो चाइना में बनती है। ये बताइए कि भारत में कोई ऑप्शन नहीं है बनने का? क्यों बनती है? क्योंकि चाइना में ये सभी खर्चे कम लगते हैं,
लेकिन अंबानी जी को क्या फिक्र है, भारत की थोड़ी फिक्र है उनको, उनको तो अपने पैसे की फिक्र है कि भाई अगर इंडिया में लगाएंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, हमारा ज़्यादा खर्चा आएगा, कम लाभ मिलेगा, लेकिन अगर यही चीज़ हम चाइना में करेंगे तो हमारा कम खर्चा पे ज़्यादा फायदा होगा, तो लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, देश चाहे बाढ़ में जाए उनसे क्या मतलब है। अगर नहीं तो बताइएगा कमेंट करके, इस वीडियो के बारे में कमेंट अवश्य करिएगा। हमने टाइटल तो ये दिखाया जो बिल्कुल दिखाया, लेकिन इसके पीछे हमने आपको बहुत कुछ बताया, तो अवश्य देखिएगा और पूरा देखिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा। बहुत सारी यहाँ पर बातें हैं लेकिन सब कुछ हम नहीं कह सकते, अगर पूरा सब कुछ कहने लगेंगे तो यहाँ पर दिन से रात, रात से दिन सब बीतता चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय कमेंट करिएगा, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हो कमेंट अवश्य करिएगा। यहाँ पर आपको एक जानकारी बता दें, जो लोग कहते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, आपने ओबेरॉय का नाम सुना होगा, ओबेरॉय का नाम सुना होगा, भारत में लगभग 35 से ज़्यादा इनके होटल हैं जिनमें एक एक कमरे ऐसे हैं जिनकी लाखों रुपये की कीमत है, जिनकी लाखों रुपये की कीमत है एक नाइट का। लेकिन क्या आप जानते हैं ओबेरॉय के जो पिता थे, मैं उनका नाम अभी बताता हूँ, जिन्होंने इसका स्टार्टिंग किया था, वो पहले चाट पकौड़ा का कार्यक्रम शुरू किए थे उन्होंने, लेकिन आज उनके जो होटल हैं, क्योंकि वो पहले चाट पकौड़ा की दुकान से एक जलपान का दुकान बनाए, जलपान की दुकान के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट का निर्माण किया और रेस्टोरेंट आज देख रहे हैं करोड़ों की संपत्ति बन चुकी है। अगर वो एक गवर्नमेंट जॉब करते तो आज शायद मर गए होते, वो भी उनका पूरा सब सिस्टम खत्म हो गया होता, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम पर उनका कोई अस्तित्व नहीं होता अभी तक। तो मतलब समझने की कोशिश करो भाई। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, ओबेरॉय होटल के मालिक, ओबेरॉय होटल के मालिक, एक मिनट रुकिएगा, बस कहीं मत जाइएगा, कहीं मत जाइएगा, मैं आपके फोन होगा पास में, मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, तुरंत अभी सर्च करिए उसमें ओबेरॉय होटल के मालिक, आपको पूरी कहानी आ जाएगी गूगल पर, कहीं भी खोज करके देखिए। ये लो दिखा लो, मैं दिखा देता हूँ, देखिए दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, देखिए गूगल पर आप इसे सर्च कर सकते हो, मोहन सिंह ओबेरॉय, जिनका पूरा नाम राय बहादुर सिंह ओबेरॉय था, राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय, इन्होंने मात्र 50 रुपए की नौकरी किया था शिमला में औद्योगिक घराने ओबेरॉय ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन राय मोहन सिंह ओबेरॉय ने अपना करियर मात्र 50 रुपए की मासिक तनख्वाह से शुरू किया था। राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय ने 1922 में शिमला के क्लार्क्स होटल में गेस्ट क्लर्क के रूप में काम शुरू किया था। अब आप कहेंगे कि 50 रुपए की कीमत 1922 में बहुत ज़्यादा थी, है ना जी, बिल्कुल मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा थी, 50 रुपए की कीमत 1922 में बहुत ज़्यादा थी। तो आप इसे आज से अगर तुलना करते हो तो 50 रुपए को हम मानते हैं कि 100 गुना ज़्यादा हो गई होगी, आज 100 गुना ज़्यादा, तो आज के समय में 5000 रुपए हुआ ना, 5000 हुआ ना, क्यों और ज़्यादा होगा, 5000 तो होगा। तो अगर आप 5000 की नौकरी से कोई काम शुरू करते हो, 5000 रुपए से कुछ करते हो, तो क्या इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हो। आज जो ओबेरॉय होटल की आप कीमत चेक करिएगा, वन नाइट का कीमत यानी कि 12 घंटे की जो कीमत है इन होटलों की, 35 लाख, 30 लाख, 20 लाख रुपये है, चेक करिएगा केवल एक रात का। तो ये होती है कुछ करने की चाहत, और कुछ ना करने के लिए तो लाखों बहाने हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, भारत बहुत ख़राब है, भारत में कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो फिर भी हम बार बार बोलते हैं कि बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेकिन ये बातें ऐसी हैं कि ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए ये वीडियो ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगर किसी को हमारी बातें बुरी लगी तो माफ़ करिएगा। किसी प्रकार के सुझाव, सहायता अथवा इंक्वायरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि नंबर हमने आपको बता दिया है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम पता लिख करके। और हाँ, कोई भी कृपया इस पे फ़ोन कॉल नहीं करेगा, कोशिश ही रहेगी कि सभी के मैसेज का जवाब जल्दी से जल्दी दिया जाएगा, फिर भी अधिकतम आपको 48 घंटे में जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, प्रिपेयर स्टडी के साथ बने रहने के लिए हम आपके आभारी हैं। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, ऐसे युवाओं में शेयर करें जो एकदम हताश निराश होकर के बैठे हैं, जिनको लगता है कि अब सिवाय फांसी लगाने की कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं।